बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह अकबर। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त बुजुर्गों और तमाम अजीजों, ये दुनिया और आखिरत, जन्नत और जहन्नम, अच्छे और बुरा, हर चीज का, हर वस्तु का दो ही मीनिंग होता है। उदाहरण के तौर से देखा जाएगा, जिंदा और मौत, ये दोनों बहुत अहम चीज है। जैसा आँख, कान, नाक, मुख, दिल, ब्रेन, हर बॉडी का अलग अलग से देखा जाएगा, दो ही मीनिंग रहता है। हम कभी भी अच्छे चीज का ऊपर गौर नहीं कर सकते। हम कभी भी अपना अल्लाह पाक जो सबसे बेहतरीन आँख दिया है, हम उस आँख का ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। हम ऐसा दिमाग में एक्सपेरिमेंट डाल दिया, जैसे फैमिली, समाज, परिवेश, सिटी, मजहब, हर वाक्यों का, हर सेंटेंस का, एक एक बात को ऊपर देखा जाएगा, कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात को हम लोग वाक्यों को वाक्य नहीं समझते हैं। हम लोग समझते हैं लालच, हम लोग समझते हैं दुनिया का इल्म, हम लोग समझते हैं पैसा, हम लोग समझते हैं खुद का टैलेंट देके पृथ्वी में जितना आदमी है, जितना मानुष है, सबको दिखा के खुद को बहुत बड़ा सोचते हैं। मैं जो करूँगा वो सही है, मेरा बात सही है, ऐसा नहीं है भाई। सब कुछ देखा जाएगा, जितना भी पृथ्वी में शुरू से शेष तक जितना भी अपना जीव, विशेष दौर के जीव को देखा जाएगा, ये अल्लाह पाक ने बनाया। क्योंकि हम अल्लाह पाक का हर चीज, जैसा आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, जैसे अलग अलग धातु है, जैसे अलग अलग वस्तु है, वो एक मैथमेटिक्स, एक ज्यामितिक, एक त्रिमितिक, एक परिमिति, एक
अंकानुसार यानी गणित एक प्रोजेक्ट बना के एक 3D कैड सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री जो भी एक प्रोजेक्ट बना के VFX 3D आर्टिफिशियली जो भी अपना अपना आंखों का अंदर जो भी दिमाग में रहता है वो एक नया वस्तु करके एक नया वस्तु का उदाहरण देके असेंबल करके हर आदमी को हर समाज में पेश करता है, एक एक ब्रांड एक एक कंपनी एक लोगो देके। मगर कभी भी हम खुद का लोगो नहीं समझते, हम खुद खुद कौन है वो नहीं कभी भी सोचते हैं। हम सोचते हैं दुनिया का हर एक बात, हर एक इल्म, हर एक मजहब को हम समझते हैं। अल्लाह पाक को समझो भाई, अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक का जो खजाना है उस सब को डर डर के बताओ। क्यों अल्लाह पाक का खजाना इतना है, मैं क्यों दुनिया में शुरू से कियामत तक जितना आदमी आएगा अल्लाह का खजाना एक एक आदमी को पृथ्वी जैसा 10 गुन सोने का पहाड़, हीरा का पहाड़, पुखराज का पहाड़, जितना धातु का पहाड़ दिया जाएगा कभी भी अल्लाह का खजाना का हजार लाखों लाखों गुन से एक गुन भी नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि अल्लाह का खजाना ऐसा है, मैं नहीं, आप लोग जब खुद एक्सपेरिमेंट करोगे, आप लोग खुद जब समझोगे मुझे अल्लाह पाक कौन है, अल्लाह पाक हमको भेजा क्यों, और अल्लाह पाक हमारे हमको सारे दुनिया में जितना मानुष है, जितना अल्लाह का जो अल्लाह का जिक्र करा हुआ रहता है, जो अल्लाह का प्रशंसा करा हुआ रहता है, जो नहीं करा रहता है वो भी आप समझिए जी। अल्लाह पाक को खजाना को इतना है, हम दुनिया का खजाना के ऊपर ऐसा इल ऐसा दिमाग रख चुके हैं, अल्लाह का खजाना के ऊपर हम कभी भी अमल नहीं करते, हम कभी भी सोचते नहीं हैं, हम दुनिया का खजाना ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। और एक ही भाई है, हजार हजार लाखों लाखों वाक्यों सेंटेंस मिला के जितना वर्ड जितना वाक्य जितना सेंटेंस जितना भी मैं बात करूँगा अल्लाह पाक का कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि मैं क्यों, हजार हजार जो आलिम है, हजार हजार जो अल्लाह से जुड़ा हुआ रहता है, हजार हजार लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अल्लाह का फरिश्ता है। अल्लाह का फरिश्ता ऐसा है कभी भी कोई नहीं बता सकता है कौन सा फरिश्ता का कौन सा काम है, कैसे फरिश्ता कैसा है। अल्लाह का फरिश्ता सब नूर से, अल्लाह पाक एक एक चीज एक एक बनाया। मैं आप लोगों को थोड़ा मिसाइल थोड़ा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग आज से क्यों जितना भी हो सके दिमाग में डाल दीजिए जो अल्लाह का क्या क्या काम है। पहला काम है अल्लाह का हजार हजार लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जो अपना रिजिक तैयार करता है, कोई फेरिस्ता करता है, कोई अल्लाह का हुक्म लेके बात सुना के नया रिजिक तैयार करता है। अल्लाह पाक ऐसा है जैसा हम लोग एक कोई भी, जैसे आप समझिए एक कैलकुलेटर, जैसा आप लोग समझिए एक पेन कलम कोई भी सी, देखने में जितना टाइम लगता है, सोचने में जितना टाइम लगता है, करोड़ों करोड़ों मिनटों मिनटों पहले अल्लाह पाक जब बता देता तब हो जाता है। ऐसा है अल्लाह पाक, अल्लाह पाक कोई भी चीज़ सोचने से पहले हुक्म करता है वो पहले हो जाता है।
ये पृथ्वी, ये गैलेक्सी, मिल्की वे, ये जितना सोलर सिस्टम है, जितना प्लैनेट है, जितना दुनिया में हमारी आंखों में जितना कुछ जा जो दिखता है, अल्लाह पाक का कोई नहीं लगता है, ये सब मिटाने के लिए और तैयार करने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता है। कोई भी चीज़ अल्लाह पाक सिर्फ बता देता है, वो हो जाता है। तो उसका ऊपर हम अमल करें, उसका ऊपर हम तौफीक करें, उसका ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी को, हर मजहब को, हर समाज को हम डर डर के बताएं, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा, आज नहीं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 20 साल के बाद, कुल्लु नफ्सी ज़ालिकतुल मौत, मेरा मौत आने वाला है, वो कोई भी मेरे को जिंदा नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह के सिवा। तो भाई, जिंदा मौत ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह का ऊपर सब छोड़ दीजिए, जो कुछ होता है सिर्फ अल्लाह से होता है, अल्लाह पाक से होता है, अल्लाह पाक को जो नियामत है, जो खजाना है, इल्म ज़्यादा से ज़्यादा रखे, आप खुद करो लो लाखों लाखों रुपया का मालिक बन जाओगे। कब बनोगे? जब अल्लाह पाक का खजाना का ऊपर आप अमल करेंगे, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर, जब तौफीक, जब इल्म, जब अमल आएगा आपके पास, जिस समाज में 1400 साल पहले आपका नबी, सबका नबी, सारे जहाँ का नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पाक अकीदा है, जो जो अल्लाह का माबूद, अल्लाह का प्यारा, का खास बंदा है, वो उसका ऊपर हम अमल रखें। और दुनिया में भाई, आप लोगों को दुनिया में ऐसे ऐसे शैतान एक्सपेरिमेंट करेगा, ऐसा ऐसा आप लोगों को दिमाग में ऐसा लालच देगा, ऐसा दिमाग में आप लोगों को होशियारी देगा, आप लोग कभी सोच नहीं सकते हो, क्योंकि शैतान नस नस में, खून खून में हमेशा छुपता है, हमेशा घूमता है, हमेशा दौड़ता है, तू ये कर, वो कर। मेरा भाई, मेरा दोस्त बुजुर्गो और मेरे अजीजो, मैंने बहुत वीडियो बनाया, बहुत कंटेंट डाला, कभी भी आप लोगों को पूरा बात नहीं कह पाया, क्योंकि पूरा बात कोई नहीं कह पाता, बोल पाता नहीं, बोल पाता, क्योंकि मैं क्यों, मेरा इल्म में, मेरा दिमाग में अल्लाह का जो इल्म है, अल्लाह का जो खजाना है, वो कुछ नहीं है, वो आप लोगों के पास जाता है। क्यों? जब मेरा बाप, किसी का बाप जो अल्लाह का आलिम है, अल्लाह पाक से जो जुड़ा रहता है, वो बाप मिला के, मेरा बाप मिला के जो अल्लाह का बात करता है, वो मिला के आप नया एक सोच, नया एक रूप आपको दिमाग में आएगा, तब आप लोग समझोगे। नहीं भाई, कभी सच बोला था, आगे वाले दुनिया में ऐसा होने वाला है। और है भाई, दुनिया को प्यार कम करें, क्योंकि दुनिया बहुत छोटा है। हम जो 20 साल, 50 साल, 100 साल का जो दुनिया सोचते हैं, एक गिलास पानी में जितना अपना पानी रहता है, खाने में जितना समय लगता है, खाने में जितना वक्त लगता है, पानी ख़त्म करने के बाद जितना आप टाइम देते हो, वो दुनिया उससे भी कम है, क्योंकि हम कभी भी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कैसे है हमारा धंधा, कैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़े, कैसे मैं करोड़पति, लाखपति, कैसे मैं दुनिया के सामने में बड़ा मशहूर बनूं। ऐसा भाई, दुनिया में मशहूर बनने का चीज़ नहीं है, मशहूर बनने का चीज़ है आखिरत में, आप लोग डर डर के रोए रोए कि अल्लाह को याद करो। और ये भाई, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, घंटा, मिनट, सेकेंड, महीना, साल, जितना भी समय हो,
जितना भी वक्त है, एक एक मिनट आपका, एक एक मिनट आखिरत से बेहतर नहीं हो सकता है। आपका एक एक समय आखिरत से लाभ नहीं दे सकता है, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह पाक एक बार जिंदा किया तो एक बार अल्लाह पाक सबको मिटाने मिटाने के पहले आप लोग ऐसा कुछ काम करो जो क्या मतलब आपका प्रशंसा करते जाए, नहीं ईमानदार ऐसा था। और एक भाई, ये जो फेस, हर आदमी का फेस अलग अलग, हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग अलग, हर आदमी का हार्ट अलग अलग, हर आदमी का ब्रेन अलग अलग। आप लोग ये अलग अलग सोच के एक नया सोच तैयार करो, जैसे आने वाले समाज में जन्मों से मृत्यु तक तो हर पैदाइश बच्चा, हर आने वाला युवक समाज, सिटीजन समाज, जो भी समाज है वो दिल में एकदम डाल दो जो कुछ होता है अल्लाह पाक से होता है। और आप लोग ज़्यादा दूसरे का याद ना करें, दूसरे आदमी क्या है, दूसरा आदमी क्या था वो ना आप लोग याद करें, कौन क्या कर रहा है वो आप लोग ना सोचें, ना याद करके आपका अच्छा वाला काम वो नहीं हो पाएगा। अल्लाह पाक से जुड़ो, अल्लाह पाक से ताल्लुक़ रखो। और एक बात है, जितना भी सहाबी, जितना भी रसूल, जितना भी आलिम, क़यामत तक आदमी आएगा जाएगा, पहचान बढ़ेगा, मगर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कौन सा मजहब अच्छा है, कौन सा सिटीजन अच्छा है, कौन सा मजहब अच्छा है, कौन सा धर्म अच्छा है। सब अच्छा है जब आप अच्छा काम करेंगे, बुराई से दूर रहो और जितना हो सके अच्छा काम करके आप लोगों को। मैं थोड़ा और एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि बात बोलते जाऊँगा ख़त्म नहीं होएगा, मगर ज़रूर थोड़ा मैं याद दिलाना चाहता हूँ। खुद से पूछिए, खुद से आपको मालूम पड़ेगा। कोई भी काम किसी का बात सुन के आप ना इल्म रखे, आपका खुद का मर्जी से एक नया वस्तु का उदाहरण दो। और एक बात है, साइंटिस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस आ गया, तो पुराना तो कोई किसी होता है तो